单位主席、各位秘书长以及中方代表团成员，尊敬的各位来宾、女士们、先生们，大家上午好。28 December 2016में चश्मा यूनिट 3 के बाकायदा आगाज के सिर्फ 8 माह बाद मुल्क के पांचवें जोहरी बिजली घर चश्मा यूनिट 4 के इफ्तिताह के मौके पर आज आपके दरमियान मेरी मौजूदगी मेरे लिए बायस इफ्तिखार है। 2016年12月28日，蔡西玛三号机组实现临时验收。九个月后，我们又顺利迎来了巴基斯坦第五座核电厂 C4 机组的竣工，对此我深感自豪。मुझे माजी की तरफ देखते हुए इस बात की बड़ी खुशी है कि जब चश्मा यूनिट 1 की तामीर का मायदा हुआ था तो उस वक्त भी मुल्क में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और उसी वायदे ने इन दोनों मुल्कों के माबैन न्यूक्लियर तवानाई के शोबे में ताबुन की बुनियाद रखी। चश्मा में चलने वाले तीनों यूनिट मुल्क में बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल हैं और इस वक्त मुल्क को 900 मेगावाट से ज़ायद बिजली अर्जा नर्ख पर फराम कर रहे हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि दो अजाफी मंसूबे K2 और K3 भी तेज़ी से तकमील की जानब गामजन हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वक्त से पहले मुकर्रर होकर मुल्क को रोशन भी करेंगे और माहौल में आलूदगी को कम करने में अपना किरदार भी अदा करेंगे। 我仍然记得，我曾参与了谢里夫政府授权签署恰西玛核电厂一号机组合同的相关工作，我为此感到高兴与自豪。恰西玛一号机组合同的签署，奠定了巴中两国核能合作的基础。与国内其他在运核电厂相比，由中方企业负责施工建造的恰西玛一号、二号和三号机组运行表现最为出色。且一直以较为便宜的价格源源不断地向国家电网输送的约900兆瓦的电力。我也很高兴知晓卡拉奇 K2 K3 项目目前进展顺利，我相信该项目能够在约定时间内完工，为巴基斯坦输送更多的电力。ये अमर पूरे पाकिस्तान के लिए बायस फखर है कि बैनुल अक्वामी इमदाद के बगैर 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे पर मुहित कैनूब की महफूज और मुसलसल पैदावारी सलाहियत और चीन के तावन से चश्मा में कायम किए गए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के शानदार रिकॉर्ड ने पाकिस्तान में एक ताकतवर और काबिले अमल न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की बुनियाद रख दी है। मुल्क में जारी बिजली के मुतअद्दद मंसूबों के अलावा चश्मा और मुजफ्फरगढ़ के मुकाम पर मज़ीद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की तामीर का मंसूबा भी बनाया जा चुका है और ये हुकूमत की तरफ से 2030 तक के पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को दिए जाने वाले 8,800 मेगावाट के हदफ के असूल की तरफ एक अहम कदम साबित होगा। 我很欣慰卡拉奇 KNAP 电厂于2002年完成30年运行寿期后，至今仍在安全地输送着电力。在没有国际援助的情况下 ，KNAP 一直保持着安全持续发电的能力。KNAP 的良好运行以及后续巴中两国在恰西玛厂址的良好合作，为巴基斯坦的核电发展奠定了基础。国家进步需要以强大的工业为基础，工业的发展则需要源源不断的电力做保证。我们计划还将在恰西玛和穆扎法尔格尔建设三座容量各为1100兆瓦的核电机组，以实现 PAEC 8800兆到2030年完成8800核电装机容量的目标。为确保我国核电发展计划顺利实行，我的政府将给予巴基斯坦原子能委员会全面支持。मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये हुकूमत
मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के उस अज़म को पूरा करेगी कि न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम पाकिस्तान को जो हमने हदफ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को दिया था उसको पूरा करने में हर मदद करेगी और ये इंशाल्लाह हमारी अवलीन तरजीह होगी।在此，我要感谢谢里夫政府，感谢中国政府、中国国家原子能机构、中国核工业集团公司、中国进出口银行以及其他相关机构，感谢你们为我国核电建设及发展提供了技术和经济上的支持。与中国政府在核技术领域以及其他先进技术领域的合作，一直令我们引以为傲。 चीन की हुकूमत और चीन के अवाम की मदद के बगैर ये मंसूबे पाए तकमील को ना पहुंच पाते और मैं इस मौके पर चीनी हुकूमत चीन एटॉमिक एनर्जी कमीशन CAEA चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन CNNC दीगर चीनी तंजीमों और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जदीद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए हमें तकनीकी और माली मदद फराहम की। इस अहम मौके पर मैं चीनी कंपनियों को भी दावत देना चाहूँगा कि वो पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएं, लगाने के शोबे में मज़ीद सरमायाकारी करें। हमें यकीन है कि ना सिर्फ न्यूक्लियर पावर के मैदान में बल्कि दौरे जदीद की टेक्नोलॉजी के दीगर शोबों में भी चीनी हुकूमत का तआवुन दोनों ममालिक के लिए काबिले फख्र होगा।我要再次感谢中国政府、中国国家原子能机构、中国核工业集团公司、中国进出口银行以及其他相关机构，感谢你们为我国核电的建设提供了支持。वतन अजीज से लोड शेडिंग का खात्मा हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। लिहाजा हुकूमत ने तरजीह बुनियाद पर बिजली हासिल करने के 10,000 मेगावाट से जायद के मंसूबे बनाए जो इंशाल्लाह अगले जून से पहले इसी हुकूमत के दौर में मुकम्मल होंगे। कुछ मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, बाकी तकमील के आखिरी मराहिल में हैं और आज मुल्क में बिजली की फराहमी की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है और मैं अल्लाह ताला पर यकीन करते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह नवंबर 2017 के बाद मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा हम करने के काबिल होंगे। 解决国家电力短缺问题是我的政府的第一要务，为此政府采取了一系列措施，优先规划考虑了一些电力项目。在真主的帮助下，其中的部分项目已经顺利完工，我国供电情况也相应改善。 मुझे ये जानकर खुशी हुई कि पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी PNRA मुल्क में कायम शुदा और नए लगाए जाने वाले तमाम पावर प्लांट हिफाजती इकदाम की कड़ी निगरानी कर रही है ताकि दुनिया में मरवजा हिफाजती कवानीन के मुताबिक तमाम एटमी बिजली घरों के हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाया जा सके। मैं इस मौके पर PNRA के रफ़ाकार को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो अपना काम ऐसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं और इनके इकदाम से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पूरी तरह आगाह और मुतमइन है। हुकूमत पाकिस्तान और IAEA के माबैन तयशुदा हिफाजती तदाबीर के तमाम मायदों यानी सेफ गार्ड एग्रीमेंट्स की पासदारी को यकीनी बनाया जा रहा है और मुस्तकबिल में लगाए जाने वाले तमाम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी इन हिफाजती मेयार के ताबे होंगे। 希望巴基斯坦原子能委员会能够重点关注相关安全防范措施的落实。我也很高兴地了解到，巴基斯坦核监管当局能够按照国际安全规定，
严格对运行和未来核电站的所有安全事项进行监督，确保所有核电厂的安全。利用今天的竣工仪式，我也要对巴基斯坦核监管当局的官员们表示祝贺，你们的良好工作表现得到了国际原子能机构的认可。巴基斯坦正在全面落实实施与国际原子能机构之间所达成的所有安全协议，后续核电站的施工建造将按照协议的要求开展。زراعت کے شعبے میں بھی پی اے سی کی کارکردگی قابل تحسین ہے، ان سے ملک کی غذائی پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور ملک میں کپاس کی پیداوار کے اضافے سے قیمتی زر مبادلہ بھی حاصل ہوا ہے۔我对巴基斯坦原子能委员会成功引进新的农作物品种表示祝贺，通过你们的努力，我国的粮食和棉花产量有所提高，国家外汇储备有所增加。इसके अलावा सेहत आमा के शोबों में भी काबिल कदर खिदमात पीएसी ने अंजाम दी हैं। इस वक्त मुल्क भर के बड़े शहरों में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के तहत 18 कैंसर अस्पताल काम कर रहे हैं, जहां पर कैंसर की तशखीस और इलाज की बेहतरीन और जदीद सहूलियात फराहम की जाती हैं और मुल्क में कैंसर के 80% मरीजों का इलाज एटॉमिक एनर्जी के कैंसर के अस्पतालों में किया जाता है।我也要感谢 PAEC 在公共卫生领域所做出的贡献。你们下设的18家肿瘤医院遍布我国各大城市，为全国各地的患者提供了及时宝贵的医疗服务。通过利用这些医院所拥有的最新医疗设施和诊疗技术，我国80%的癌症患者得到了治疗。हमारी हुकूमत ने चीन के साथ मुआशी राहदारी यानी सीपैक के तहत बहुत से बड़े मंसूबे शुरू किए हैं, जिनके समरात पाकिस्तान के अवाम तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। मुल्क में शाहराहों का जाल बिछाया जा रहा है, थर कोल को डेवलप किया जा रहा है, गवादर पोर्ट भी तकमील के मराइल में है और इनकी मदद से मुल्क की शरह तरक्की 5% से तजावज़ कर गई है और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल 6% के लगभग होगी। 目前，巴基斯坦政府与中国政府合作开展的中巴经济走廊项目成果正在一一展现，双方在瓜达尔港也有所合作，完善的道路交通网络将逐步实现全国道路的互通互联，我国的经济增长率也已达到5%以上，相信随着我国经济发展，中巴经济走廊定将成为巴基斯坦跻身超级经济大国路上的重要里程碑。政府将积极为私有企业提供参与中巴经济走廊的机会。中国政府也曾明确表达了通过中巴经济走廊项目帮助巴基斯坦走上强大之路的愿望。हुकूमत सीपैक मंसूबे में निजी शोबे को ज्यादा से ज्यादा शराकत के मौके फराहम करना चाहती है। चीन की क्यादत ने भी वादे किया है कि वो सीपैक के जरिए पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना चाहते हैं और सनत के शोबे में हमारी मदद करना चाहते हैं। 政府将积极为两国私有企业提供经济走廊的参与经济走廊的建设机会，中国政府也表达了愿意帮助我们建设经济走廊的意愿。मैं आखिर में चीन से आए हुए मौजूद मेहमान हूं और आप सब अहबाब का मशकूर हूं कि आपने इस अहम तकरीब में जो C4 के सिलसिले में मुनक़द हुई इसमें शिरकत फरमाई और साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर दुआगो हूँ कि जोहरी तवानाई के तमाम मंसूबे कामयाबी से तकमील को पहुँचें और आने वाले सालों में तवील अरसे तक बिला तातुल बिजली की महफूज पैदावार के अमल को जारी रखें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। चोंगपा योई उनसुई। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आज़म शाहिद हाकान अब्बासी का चश्मा C4 मंसूबे की तकरीब से खिताब, उनका कहना था कि दोनों ममालिक के लिए काबिल फ़ख्र इकदाम हैं।